transactional analysis we are talking about. With regard to transactional analysis, we had discussed that concept of transactional analysis was given by Eric Bohr, and there are two others who contributed a lot towards developing and enriching the concept of transactional analysis. These two authors are Jungewald and Hans. In fact, transactional analysis enables an individual to analyze and understand human behavior. This does mean that human behavior can be analyzed with the help of transactional analysis. That is why it has got relevance in the study of organizational behavior. Transactional analysis may be understood on the basis of concept of a transaction. Then, before I start discussing the concept of transactional analysis, we are required on our part to know first what a transaction is. So a transaction is nothing but a social intercourse between two or more persons who encounter each other. In every social intercourse, there is a stimulus given by one individual and a response to that individual given by another individual. मतलब ये हुआ कि transactional analysis को हम transaction के अर्थ को समझने के बाद और clearly इसको interpret कर सकते हैं। तो transactional analysis में transaction का अर्थ, तो transaction का मतलब क्या, transaction को क्या कहा गया, तो transaction का मतलब होता है social intercourse between two or more persons, two or more individuals who encounter each other. और हर सोशल इंटरकोर्स में एक स्टिमुलस होता है, एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाने वाला स्टिमुलस होता है, और उस स्टिमुलस का रिस्पांस दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं. मतलब यह हुआ कि ए ट्रांजैक्शन इज नथिंग मोर देन दैट ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस रिलेशनशिप. तो ट्रांजैक्शन क्या है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप को हम ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन एनालिसिस हैज बिकम वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ टू रीजंस. दो कारणों से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने में अपनी उपयोगिता साबित करता है. मतलब ये दो कारण है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस काफी पॉपुलर हुआ एज ए टूल फॉर एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. पहला कारण, it is very easy to understand. It is very easy to understand. ये बहुत सिंपल है, बहुत comprehensible है और बहुत ग्राह्य है. That is why it is important. दूसरा reason कि transactional analysis is important because it provides a fascinating tool for analyzing and understanding complex interpersonal relationship. Interpersonal relationship का मतलब कि दो या दो से ज्यादा individuals के बीच के relationship को हम interpersonal relationship कहते हैं, जो कि बहुत complex होता है. और
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए जो टूल प्रोवाइड किया जाता है उस टूल का नाम है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। और फर्दर मोर कि ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के पॉपुलर होने का एक और रीजन है कि इट आल्सो प्रोवाइड्स ए टूल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो टूल प्रदान किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, उस टूल का नाम ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में क्या हुआ, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट होने के तीन कारण। अब ए ट्रांजेक्शन जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, ए ट्रांजेक्शन कैन बी एनालाइज्ड बाय एनालाइजिंग ईगो स्टेट्स। अब ये ईगो स्टेट क्या है, ईगो स्टेट ट्रांजेक्शनल एनालिसिस को हम किसके आधार पर एनालाइज कर सकते हैं, तो ईगो स्टेट, ईगो स्टेट्स। अब ईगो स्टेट क्या है, ईगो स्टेट को कहा गया, ईगो स्टेट इज ए सिस्टम ऑफ फीलिंग्स, ईगो स्टेट इज ए सिस्टम ऑफ फीलिंग्स। यानी कि भावनाओं की एक प्रणाली है। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस किसके द्वारा समझा जा सकता है, ईगो स्टेट के द्वारा समझा जा सकता है। ईगो स्टेट क्या है, ए सिस्टम ऑफ फीलिंग्स एकॉम्पेनीड बाय, एकॉम्पेनीड बाय, एकॉम्पेनीड बाय ए रिलेटेड सेट ऑफ, accompanied by a related set of behavior patterns। Accompanied by a related set of behavior patterns। Now it is important to discuss over here कि every normal average adult, and there is no exception to this rule, every normal average adult operates from three ego states, हर average adult तीन ego states से ही अपने behavior को प्रक्षेपित करता है। यानी कि ईगो स्टेट्स कितना हो गया, ईगो स्टेट्स तीन, फर्स्ट पैरेंट ईगो स्टेट, सेकंड एडल्ट ईगो स्टेट, एंड थर्ड चाइल्ड ईगो स्टेट। यानी कि हमारा जो कुछ भी बिहेवियर होता है इसी तीन ईगो स्टेट के द्वारा। इन तीन ईगो स्टेट्स कौन से हो गए, पेरेंट पहला, एडल्ट दूसरा, और चाइल्ड तीसरा। First is parent ego state, second is adult ego state, and third is child ego state. Now we shall be trying to understand and analyze all these three ego states one by one separately, but in brief. So first of all, what is parent ego state?
parent, parent ego estate, parent ego estate. In parent ego estate, people act like domineering parents. किसको कहते हैं? निरंकुश, दबंग, यानी कि जो आदमी पेरेंट ईगो स्टेट में होगा वो निरंकुश होगा. मतलब कि पेरेंट ईगो स्टेट reflect that type of our personality, parent ego state reflect that type of personality which is dogmatic, over protective, and righteous का मतलब सदाचार. मतलब ये तीन बातों को समझना. डॉगमेटिक का मतलब सिद्धांतवादी, यानी कि जो हमेशा सिद्धांत की बात करे, जो हमेशा सिद्धांत में बात करे, जो हमेशा सिद्धांत के लिए बात करे, जो प्रिंसिपलवादी आदमी हो वो पेरेंट ईगो स्टेट का. दिस इज पेरेंट ईगो स्टेट. और जो सिद्धांतवादी होगा वो डोमिनियर होगा. मतलब कि पेरेंट ईगो स्टेट इज नथिंग बट ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग्स इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर इम्पोज्ड ऑन हिम इन हिज अर्ली first 5 years from external sources. मतलब कि हम अपने जीवन के कालखंड के पहले 5 वर्ष में जो कुछ भी हमारा इंटरैक्शन इस इन्वायरमेंट से, फैमिली में, पेरेंट्स से होता है, उसी के कलेक्शन को हम पेरेंट ईगो स्टेट कहते हैं. एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी उसी पर आधारित होती है. रेस्ट ऑफ द ईयर्स में हमारा बिहेवियर उसी 5 ईयर्स के कलेक्शन पर आधारित होता है. हमारी पर्सनालिटी की खाका बहुत कुछ वह पहले 5 वर्ष में ही तय हो जाता है. और यह कहाँ तय होता है? हमारे परिवार में तय होता है और हमारे पेरेंट्स के द्वारा तय होता है. इसलिए कहा जाता है कि बच्चों में अगर अच्छे सेंस इनकल्केट करने हैं तो माँ बाप को सदाचारी बनना पड़ेगा, माँ बाप को अच्छा बनना पड़ेगा, माँ बाप को भ्रष्ट नहीं होना होगा. चूंकि एवरी मोमेंट चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके इंटरैक्शन का पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर फैमिली होता है और फैमिली में पहले मेंबर पेरेंट्स, मदर फादर होते हैं. तो पेरेंट ईगो स्टेट रिफ्लेक्ट दैट टाइप ऑफ पर्सनालिटी विच इज डॉगमेटिक, ओवर प्रोटेक्टिव एंड राइचस. नाउ parent ego state may be of two types.
पेरेंट ईगो स्टेट मे बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट नर्चरिंग पेरेंट. Nurturing parent and second negative parent. First nurturing parent and second negative.